है तो भाई लोग कैसे हो? कितने लोगों को डिमांड आया था कि भाई क्रो पैनल कैसे बनाते हैं ये बता दो, मेरे को बनाना नहीं आता। ठीक है, तो ये मैसेज आया था मेरे को। तो सबसे पहले तो आपको अगर क्रो पैनल डेवलप मतलब बनाना है, क्रिएट करना है, तो एक होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगा, एक डोमेन का। डोमेन होस्टिंग दोनों फुल्ली फ्री मिल जाता है ना? तो जो कि आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो अब मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं बता दूंगा आपको, उसका लिंक दे दूंगा या URL दे दूंगा कि आपको कहाँ से मिलेगा फ्री होस्टिंग डोमेन। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मेरा जो है वो शेयर्ड होस्टिंग नहीं है, मेरा जो है वो होस्टिंग जो है वो आप देख सकते हैं मेरा जो प्लिस्क होस्टिंग है। ठीक है, तो इसका जो UI दूसरा रहेगा और जो शेयर्ड होस्टिंग का रहता है वो दूसरा UI रहता है। थोड़ा मेरा नेट स्लो है ना। देख सकते हो मैंने ऑलरेडी बहुत सारा पैनल जो है डेवलप करके रखा है, क्रिएट करके। तो सिंपली जो आपका जो कोरो पैनल का जो फाइल होता है SQL फाइल और जो उसका जी फाइल सोर्स फाइल रहता है वो होना चाहिए आपके पास पहले तो। जैसे कि मेरे पास मैंने ऑलरेडी रखा है, ये देखो ये रखा है। ठीक है, और जो इसका SQL फाइल है, SQL फाइल में भी मेरे पास है ये। तो मेरे पास दोनों हैं, तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपके पास ये फाइल है तो आपको सिंपली डाटाबेस भेजाना है और एक डाटाबेस क्रिएट कर लेना है। मैं फटाक से कर लेता हूँ। डाटाबेस नाम ENV फाइल में जाना है और सिंपली करना कुछ नहीं है। यहाँ पे जो लिखा है डिफ़ॉल्ट डाटाबेस, यहाँ पे इसको पेस्ट करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। ठीक है, जो नीचे बोल रहा है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, पासवर्ड को उठाना है, यहाँ से कॉपी करना है, वहाँ पेस्ट करना है। सॉरी, मैंने कट कर दिया। ये है ना, तो जो इसका जो पैनल लिंक है उसको भी यहाँ से ये हमारा हो चुका है। ठीक है, और आपको मेरा जैसे कि ऑनलाइन पैनल, तो ऑनलाइन पैनल में क्या रहता है कि मोड जो रहता है उसका जो एक्सेस जो रहता है, मोड फ्लोटिंग नेम जो एक्सपायर की या फिर जो रहता है उसमें वो ऑनलाइन रहता है। ठीक है, तो उसका जो रहता है इसका जो ऑनलाइन का है उसका थोड़ा एक्सेस ज्यादा मतलब एक्सेस कुछ मतलब ज़्यादा रहता है, और नॉर्मल पैनल का सिंपली की उठाओ वहाँ पेस्ट करो ऐसा रहता है। तो इसका थोड़ा झंझट रहता है कि यहाँ पे यूज़र नेम डाटाबेस नाम थोड़ा एक दो तीन जगह इसको पेस्ट करना रहता है। तो यहाँ पे आना है सर्वर पे, कनेक्ट PHP आना है, और ये जो पासवर्ड है इसको पेस्ट करना है। सॉरी यार, ओके और हमें जाना है डाटाबेस में, नहीं हाँ यहाँ जाना है और पेस्ट पेस्ट। पेस्ट हमारा अब सोर्स फाइल जो है वो रेडी हो चुका है।
उसको डिलीट कर देते हैं। अगर किसी को इशू होता है तो मेरे को टेलीग्राम पे आकर एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको जो इशू आता होता है उसको फिक्स कर दूंगा, ठीक है? किसी को अगर कुछ इशू आता होगा तो। थोड़ा नीड स्लो है ना मेरा, इतना फास्ट नहीं है कि फास्ट हो सके। डाटाबेस पे जाना है, वहाँ जो हमारे स्क्वायर फाइल है उसको अपलोड करना है, अपना काम हो गया फिर, ठीक है? मैंने एक यहाँ पे सॉरी सॉरी फाइल बनाया है यार, एक मिनट रुको। पचहत्तर ये वाला फिर है, ठीक है? ये अपना हो चुका है सेटअप, मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है? ये ऑलरेडी था मेरा जो पर्सनल पैनल है उसका मैंने सोर्स कोड उठा के यहाँ पे डाला हूँ, इसकी वजह से दिख रहा है, ठीक है? जो सॉलिड की टोटल की ये सब जगह दिख रहे हैं, देखो ये फुली ऑनलाइन है, यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हो। अब जिसको भी चाहिए ये वाला जो कोरो पैनल चाहिए वो मेरे को टेलीग्राम में आकर मैसेज करें।